सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज जेरार्ड एंड यू वाचिंग जेरार्ड बॉम्ब। सो गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मारुति सुजुकी अरीना सानाई मोटर्स पे, जो कि सिचुएटेड है लेक टाउन के बगल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लेक टाउन का यहाँ पर क्लॉक टावर। सर आपको कोई भी मारुति का गाड़ी चेकआउट करना है आप ये शोरूम पे जरूर आ सकते हो, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो ये जो गाड़ी आप देख रहे हो मेरे सामने गाइज, ये है मारुति ऑल्टो K10 और बहुत लोगों के लिए, बहुत ही इंडियंस लोग के लिए पहली गाड़ी होती है ये। सो बहुत ही इंडियंस का प्यार है मारुति ऑल्टो K10। सो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये है आपका VXI वेरिएंट। आप लोगों को पता है इसमें आपको स्टैंडर्ड LXI VXI और VXI प्लस। सो गाड़ी के बारे में बात करने से पहले गाइस मैं बोलना चाहता हूँ इसका जो प्राइस है, अभी आप लोगों को पता है सब अपडेटेड प्राइस आ गया है इंडिया में सब गाड़ी के लिए। सो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है अराउंड 5,06,000। अभी ऑन रोड तो आपके शहर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आप नियर बाय जो आपका मारुति डीलरशिप है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चाबी के बारे में अभी बात करते हैं गाइस। सो चाबी आपको नॉर्मल सा मिलता है, कोई भी इस गाड़ी में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलेगा नहीं। सो नॉर्मल सा की आपको मिलता है। सामने से अगर बात करूं गाइस, सामने आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा लुक है ऑन द मारुति ऑल्टो K10। अभी इस गाड़ी को थोड़ा बॉक्सी कर दिया है मारुति ने, वो शार्पनेस और नहीं रहा है ऑल्टो K10 पे, जो बहुत लोगों को पसंद आएगा बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूं गाइस, हेडलाइट्स आपको फुल हैलोजन सेटअप पे मिलता है। सो सब लाइट्स आपको यहाँ पर हैलोजन में मिलेगा, सुजुकी का लोगो है यहाँ पर। नीचे आप देख सकते हो बड़ा सा ग्रिल आपको अभी मिल जाता है और ये आपका मैट ब्लैक कलर पे है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको नहीं मिलेगा। एंड अभी आप लोगों को पता है मारुति ऑल्टो K10 में और फॉग लाइट्स नहीं आता है, एज एन एक्सेसरी भी वो आप फिट नहीं कर सकते हो, सो कीप दैट इन माइंड। अभी चलते हैं गाइस गाड़ी के साइड पे। सो साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हो व्हील्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलता है व्हील कैप्स के साथ। टायर का जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 145/80/R13। सो 13 इंची का आपको टायर मिल जाएगा। ABS CVT या स्टैंडर्ड सस्पेंशन ट्रेवल भी आप देख सकते हो। फेंडर में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है हैलोजन में। यहाँ पर जो मिरर्स है, मिरर्स आपको हाथ से ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। एंड ये जो मिरर है ये आपको मैट ब्लैक पे मिलेगा, बॉडी कलर में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कन्वेंशनल डोर हैंडल्स मिलता है आप देख सकते हो। एंड गाड़ी को अगर आपको लॉक करना है देन आप चाबी यहाँ पर डालिए एंड इसको आप बायां तरफ घुमा दीजिए, आपका गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगा। सो दैट इज देयर। यहाँ पर बी पिलर आपको नॉर्मल आपको बॉडी कलर में मिलता है, कन्वेंशनल लैंटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी चलते हैं गाइस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो रियर टायर्स आपको सेम प्रोफाइल का ही मिलता है, 145/80/R13। एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अभी रियर सेक्शन के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर ऑल्टो K10 काफी सिंपल है गाइस, आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। सिर्फ ऑल्टो K10 का आपको बैजिंग मिलता है, सुजुकी का बैजिंग है। पीछे आपको कोई वाइपर डिफॉगर ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक हाई माउंट स्टॉपलैम्प मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हो आपको सिर्फ दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर है एंड एक आपको उस तरफ मिल जाएगा। बूट ओपन करने के लिए गाइस आपको चाबी अंदर डालना पड़ेगा, सो दिस इज देयर। सो बूट ओपन हो जाएगा, आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर नहीं मिलेगा। पीछे आप देख सकते हो कोई आपको पार्सल शेड नहीं मिलता है ऑल्टो K10 पे। लोडिंग लिफ्ट भाई बहुत सारा है, सो थोड़ा आपको भारी चीजें उठा के रखना पड़ेगा अगर आप घर ये सब ट्रांसफर कर रहे हो तो। अंदर में ऑब्वियसली आपको कोई बूट लैम्प ये सब आपको तो मिलेगा नहीं। आपको यहाँ पर बेंच टाइप सीट्स मिलता है, 60/40 नहीं मिलेगा। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा K10 पे कि ये गाड़ी इतना इनएक्सपेंसिव है, नॉर्मल लोगों के लिए है, बट मारुति ने यहाँ पर सब कुछ कवर किया है। सो ये काफी अच्छा चीज है। बहुत कंपटीशन जो है इस गाड़ी का वो सब यहाँ पर एक्सपोज रहता है, बट यहाँ पर मारुति ने इसको अच्छे से कवर किया है। सो ये काफी अच्छा चीज है, मुझे अच्छा लगा। ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी सब कुछ कवर्ड है, कुछ जगह आपको एक्सपोज नहीं मिलेगा। सो वो एक काफी अच्छा चीज है कि मारुति ये सब ध्यान रखते हैं। सो दैट्स अ बिग थम्स अप। सभी चलते हैं गाइस रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूं, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है। आपको यहाँ पर नॉर्मल सा ये रोलिंग टाइप विंडो आपको मिलेगा, कोई पावर विंडो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, सीट्स आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ नहीं मिलेगा, फिक्स्ड है। यहाँ पर सीट आपको फैब्रिक फिनिश में मिलेगा, ग्रे और ब्लैक पैटर्न पे। सो चलिए अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद। सो गाइज लेग रूम काफी अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है। अंडर आई सपोर्ट भाई आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको नहीं मिलेगा ये सेगमेंट पे, आप एकदम ही एक्सपेक्ट मत कीजिए। बीच में आपको यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक पॉकेट मिलता है, आप यहाँ पर अपना फोन ये सब रख सकते हो। गाड़ी के विड्थ के बारे में अगर बात करूँ गाइज भाई, ये गाड़ी दो बंदे के लिए है, तीन बंदे फिट नहीं होंगे इस गाड़ी में, सो आप ट्राई भी मत कीजिए। ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा एक डोर हैंडल, यहाँ पर भी आपको डोर हैंडल मिलता है बट कोई हुक नहीं है। अभी बात करते हैं गाइस हेडरूम के बारे में। हेडरूम काफी अच्छा है भाई ऑल्टो, ये ऑल्टो K10 थोड़ा बॉक्सी है जैसे कि मैंने आपको बोला था। हेडरूम भाई काफी अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सो अगर आपके फैमिली में थोड़े लंबे बंदे भी रहते हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सो अभी चलते हैं गाइस सामने। सो सामने का लुक कुछ ऐसा है VXI वेरियंट का, आपको क्या क्या मिल जाता है मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको
फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है स्पेस के साथ, स्पीकर प्लेसमेंट है, डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, आपको कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको डुअल पैटर्न में सीट्स मिलता है ब्लैक और ग्रे पे। यहाँ पर आपको सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा, हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो लीवर मिल जाता है आगे पीछे करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई बटन आपको नहीं मिलता है, सब डमी स्विचेस है। एंड नीचे आपको यहाँ पर हेडलैम्प लेवरिंग डिवाइस दिया गया है, एंड ये आपका सामने का बोनेट ओपन करने के लिए। तो चलिए गाइज अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद एंड चाबी यहाँ पर है, चाबी डालते हैं अंदर एंड गाड़ी को थोड़ा इग्निशन देते हैं। सो यहाँ पर इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइज, फुल ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है डुअल एयरबैग्स के साथ। सो यहाँ पर एयरबैग है और यहाँ पर आपको एयरबैग मिल जाएगा, अभी तो स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपको राउंड एसी वेंट्स मिल जाता है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स अगर हम लोग चेकआउट करेंगे गाइज, ग्लव बॉक्स काफी ठीक ठाक ही है, गाड़ी के हिसाब से आपको अच्छा खासा ही मिलता है यहाँ पर। सो कोई उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं। एसी वेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर आपको डबल डिन का एक सिस्टम मिल जाता है। सो यहाँ पर आपका ट्यूनर सेटिंग्स है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम और पावर का सेटिंग्स है, यहाँ पर आपको कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का बटन मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको मेनू ये सब मिल जाएगा, मोड बहुत कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सामने दोनों तरफ आपको यहाँ पर पावर विंडो मिलता है, सिर्फ रियर पे आपको रोलिंग टाइप मैनुअल विंडो मिलेगा। हैजर लाइट का स्विच है, यहाँ पर सब एसी का आपको कंट्रोल्स मिल जाएगा। सो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, आप देख सकते हो। ब्लोअर कंट्रोल यहाँ पर है, कहाँ पर आप एयर भरना चाहते हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एसी ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पर है, एंड यहाँ पर आपको एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर नहीं आपको कोई यूएसबी टाइप ए का पोर्ट नहीं मिलता है। डुअल कप होल्डर्स है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर शिफ्ट काफी ठीक ठाक ही है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, सो दैट इज गुड। यहाँ पर आपको मिलेगा एक मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऊपर आपको एक नॉर्मल सा मिरर मिलता है, कोई एडजस्टेबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। हेलोजन में रीडिंग लैंप है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक कुछ भी नहीं, सो मिरर या लाइट कुछ भी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करूँगा इस, नॉर्मल सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई बटन आपको मिलेगा नहीं, काफी सिंपल है। बट आप एक अच्छा सा स्टीयरिंग कवर पहना दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा वाइपर का कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको मिलेगा हेडलाइट का कंट्रोल्स, एंड बीच में आप देख सकते हो अभी तो आपको ये एस्प्रेसो का टाइप का ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, गाड़ी का टेल टेल लाइट्स आप देख सकते हो प्लेस्ड ऑल ओवर। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका गाड़ी का फ्यूल इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर आपका गाड़ी का ओडर रीडिंग और टाइम ये सब दिखा रहा है। सो ये जो स्क्रीन है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी आपका रियल टाइम में फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, फिर आपका टोटल ओडो रीडिंग, या आपका ट्रिप ए और ट्रिप बी। सो काफी ठीक ठाक ही है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए अच्छा खासा ही दे देता है, सो दिक्कत आपको होगा नहीं। विजिबिलिटी के बारे में अगर बात करूँ गाइस, विजिबिलिटी काफी अच्छा है ऑल्टो K10 पे, काफी कॉम्पैक्ट सा गाड़ी है, सो आपको ये गाड़ी चलाने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। पीछे का भी विजिबिलिटी आप देख सकते हो काफी अच्छा है, बट आपको कोई डिमिंग फीचर नहीं मिलता है, सो वो एक खामी है इस गाड़ी का। एंड साइड का विजिबिलिटी आप देख सकते हो वो भी काफी अच्छा दिया गया है। और ये जो मिरर है ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा अंदर से, सो दैट इज गुड। सो या जो आप प्राइस पे कर रहे हो ठीक ठाक ही है। सो गाइज ये था मेरा डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द मारुति ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट। अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू पसंद आया देन एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, विजिट द थम्स अप, एंड ये वीडियो जरूर आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी फर्स्ट एक गाड़ी लेना चाहता है देन नॉर्मली वो लोग तो भाई मारुति में ही जाते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स का काफी चीप होता है, मतलब प्राइस जो होता है। सो ये जो वेरिएंट है VXI वेरिएंट, अगर आपका बजट अंडर 6 लाख है तो ऑन रोड में आपको ये गाड़ी अराउंड 5 लाख 70, 5 लाख 80 में आपको मिल जाएगा। सो एक काफी अच्छा डील है, एंड ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से सब कुछ हिसाब से इट्स अ प्रीटी वेल पैकेज कार। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस ला सकता हूँ फ्यूचर पे। सो दैट इज मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।